दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर घुला हुआ है। जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में थोड़ी सी राहत की खबर आई है। दरअसल हवा की अपेक्षाकृत बेहतर गति के कारण रात भर में प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट आई है। हालांकि PM2.5 की सांद्रता अब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित स्वस्थ सीमा से करीब 80 गुना अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 27 अक्टूबर और 3 नवंबर के बीच 200 अंकों से बढ़ा है, जिससे शुक्रवार को ये अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वहीं शुक्रवार को शाम 4 बजे AQI 468 से कम होकर शनिवार सुबह 6 बजे तक 413 दर्ज किया गया। शुक्रवार को 24 घंटे का औसत AQI 468, 12 नवंबर 2021 को दर्ज किए गए 471 AQI के बाद से सबसे अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली दुनिया में सबसे खराब गुणवत्ता वाली राष्ट्रीय राजधानियों में शामिल रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदूषण कम करने के लिए मौसम की कोई अनुकूल स्थिति नहीं बन रही है। 7 नवंबर तक अमूमन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद हो सकता है हवा की दिशा बदलेगी और हल्की बूंदाबांदी की भी उम्मीद है। इससे प्रदूषण में राहत मिल सकती है। इस तरह की और भी न्यूज अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।